वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसमें पता है बायबैक का मतलब क्या है, क्या हो रहा है? SYM में रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया था, याद है? क्या कर रहा है, हम लोग जो होल्डर्स है इक्विटी शेयर के होल्डर्स है उनको रिटर्न पैसा देना है। क्या बोला, उन लोग ने अपने कंपनी में इन्वेस्ट किया रहेगा, हम लोगों को क्या करना है, रिटर्न उनको पेमेंट करना है। अपने पास बहुत सारा प्रॉफिट आ गया, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करके खत्म कर देगा। समझा, वही काम करना है, पैसा देना है। ओके, तो हम लोग इलस्ट्रेशन वाइज देखते जाएंगे, जैसा कुछ डाउट्स निकलता है वैसा मैं समझाते जाऊंगा। पहले ही पूरा एक्सप्लेन नहीं करता कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। इसमें लिमिटेड जर्नल एंट्रीज है, तुम लोग को वही याद रखना है। बेसिक जर्नल एंट्री 3-4 है, वो आने ही वाला है, उसके अलावा वो सम ही नहीं बनता। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1 रीड कर। LTD, अ नॉन लिस्टेड कंपनी वांट्स टू बाय बैक 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हां, कितना बायबैक करना है? 10,000। 10,000, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। ओके, इसमें से एक शेयर कितने का रहेगा? 10 रुपीस। 10 रुपए का, तो टोटल मेरे हाथ से पैसा कितना जाने वाला है? 1 लाख। 1 लाख, इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है, 1 लाख मुझे देना है, समझा? आगे, विच सेटिस्फाइज द इक्विटी शेयर है बराबर। इतना क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है? ये क्या करना है, अपने को बायबैक करना है, समझे? बायबैक करना है ना, मतलब इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट रिटर्न लेगा, उसको पैसा दे देगा। ओके, तो इतना पैसा मेरे को कहां से लेना पड़ेगा, मेरे पास पैसा कम पड़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, नया प्रिफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं। वैसे ही बोला ना, फिर से रीड कर सेकंड लाइन। फॉर दिस पर्पस द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू न्यू प्रिफरेंस शेयर्स। हां, इशू न्यू प्रिफरेंस शेयर, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा क्या, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। कितना? 10 ईच। 10 ईच, 10 रुपए का प्रिफरेंस शेयर इश्यू करना है। आगे पढ़। ईच फॉर द इक्विवेलेंट अमाउंट। फॉर द इक्विवेलेंट अमाउंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉर द इक्विवेलेंट अमाउंट, मतलब मुझे इधर भी 1 लाख ही आना चाहिए, ये समझा? इक्विवेलेंट अमाउंट, 1 लाख मेरे हाथ से जाने वाला है, तो 1 लाख मुझे पैसा भी आना चाहिए। इशू कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मुझे पैसा आ रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 10,000। क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो ये मिल गया इक्विवेलेंट, मतलब सेम अमाउंट। इक्विवेलेंट मतलब सेम अमाउंट, समझ में आ रहा है? ये समझा? देखो अभी ध्यान दो, पहला ये एंट्री, दूसरा ये एंट्री, समझा? पहला इशू का एंट्री, पहला पैसा आने वाला एंट्री, उसके बाद पैसा जाएगा ना, पैसा रहेगा तो पैसा जाएगा ना। ओके, तो एंट्रीज में चला जाते अपन। पहला क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, पैसा आ रहा है। हाँ, तो इशू हो रहा है तो क्या एंट्री आएगा, कैश बैंक अकाउंट टू फर्स्ट, पैसा आया मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस रीजन से आया, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। कितना? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख, ओके, बीइंग प्रिफरेंस शेयर इशूड, इतना ही लिखना है। हाँ, इतना समझ में आया। अरे, पैसा आने वाला काम हो गया, अभी मेन पार्ट कर लेते हैं, जो कि अपना लेसन का ही नाम है, बायबैक कर लेते। बायबैक का पहला एंट्री, तो बायबैक का पहला एंट्री क्या रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितने का? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख, ये तो हर एक सम में ये एंट्री आना ही है, दोनों कंपलसरी। हाँ नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, इसके ऊपर बोला रहेगा तो, नहीं तो नहीं आएगा, ये कंपलसरी। जो ब्लैक पेन से लिखा है वो तो आने ही वाला है, और ब्लैक पेन से लिख रहा हूं ना मैं,
मतलब वो बायबैक से रिलेटेड एंट्री रहेगा। रेड पेन से लिख रहा हो वो इश्यू या दूसरा कोई एंट्री रहेगा, समझा? ओके जैसे ही ये एंट्री मार रहा है मतलब इसका एंट्री कवर हो गया, इसका एक अकेला एंट्री नहीं रहता है, इसके लिए हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। सीआरआर का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल वैल्यू माइनस फ्रेश इश्यू। ओके नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या है? जो इक्विटी शेयर कैपिटल ये जो 1,00,000 दिख रहा है ना, ये नॉमिनल वैल्यू। सर इधर भी तो 1,00,000 है, इधर का मत देखना, कैपिटल के सामने, क्योंकि इधर का वैल्यू चेंज हो सकता है, समझा? मैंने क्या बोला, कैपिटल के सामने जो अमाउंट दिख रहा है वो क्या है अपना? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना? 1,00,000 माइनस फ्रेश इश्यू है क्या? फ्रेश इश्यू है ना, इक्विटी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, जो कैपिटल के सामने दिख रहा है वो क्या है? फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू, समझा? तो माइनस 1,00,000 कितना आया? जीरो। सीआरआर क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जीरो है। कुछ अमाउंट रहता तो सीआरआर क्रिएट होता, इतना क्लियर है? तो तीसरा एंट्री क्या मारेगा? अभी पेमेंट कर देते हम लोग, अपने अच्छे पैसा जाएगा। हाँ, किसको जा रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर को देना है ना। इक्विटी शेयर होल्डर टू कैश बैंक अकाउंट। हाँ, कैश बैंक अकाउंट पैसा गया। कितना गया? 1,00,000 समझ में आया? इलस्ट्रेशन नंबर 1 समझ में आया? कुछ पूछना है? तुझे समझा? फर्स्ट टाइम है लेक्चर, क्लियर है? ओके कट कर।